जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके सामने एसएससी जीडी 2021 के एग्जाम के लिए मेगा क्विज क्वेश्चन की 50 क्वेश्चन जिसके अंदर जीके जीएस को मिला के आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम में काफी बेनिफिशियल रहेगी। आज मैंने ये निर्णय लिया कि आपके जो शिफ्टों के अंदर एग्जाम हो रहे हैं उनका एनालिसिस ना करवा के आप लोगों को उसी एनालिसिस पे आधार पर जो 17 और 18 को हमने किया, क्योंकि एनालिसिस वही सेम रहना है। रोज के क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, खाली पैटर्न वही रह रहा है, टॉपिक वही रह रहा है, बाकी उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो चेंज हो रहा है। बाकी टॉपिक जैसे मैंने कल भी वीडियो के अंदर मेरी बताया था, मैंने जो एनालिसिस करवाया उसमें भी आप लोगों को मैंने बताया, वही खाली आ रहे टॉपिक, खाली उसके अंदर क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। तो आज मैंने ये सोचा कि आप लोगों को एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका कौन से टॉपिक से आ रहे हैं वो तो समझ में आ गया, लेकिन उन्हीं टॉपिक के आधार पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, क्योंकि जो क्विज के अंदर हो चुके हैं पहले, जो पेपर के अंदर आ रखे हैं, उनका एनालिसिस करवाने से ज्यादा कोई फायदा नहीं होने वाला। हमें उस एनालिसिस के आधार पे कौन से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन हमें करना है, उनका एनालिसिस हमारे लिए करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे 50 क्वेश्चन की इस क्विज को, और नेक्स्ट डे मैं आप लोगों के लिए ये क्विज का जो क्वेश्चन की नंबर है वो मैं बढ़ाने वाला हूं। तो आज हम शुरू करते हैं 50 क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सा गैस वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो ऑप्शन दिया मीथेन, जलवाष्प, ओजोन गैस और आर्गन। तो हमारा इसका आंसर होगा आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए, निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? तो ये हमारा हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, और हिस्ट्री का इसमें ऑप्शन दिए हैं समुद्रगुप्त, फिरोज शाह तुगलक, कनिष्क, स्कंदगुप्त। तो हमारा आंसर होगा कनिष्क। जो क्वेश्चन है इनके आंसर जो भी है वो उनको मैंने येलो लाइट के अंदर हाईलाइट कर रखा है, तो आप वहां से स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, तो वहां से आप क्वेश्चन अपना नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा चार्टर एक्ट 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा ऑप्शन है लोकसभा स्पीकर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा का चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो ये मैं कमेटियां वगैरह जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से जो रिलेटेड टॉपिक हैं वो मैं आप लोगों को पॉलिटी की क्लास के अंदर विस्तृत रूप से कराऊंगा। तब तक आपके एग्जाम हो रहे हैं तो इन एग्जाम का क्विज में अभी करवाना आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ। तो इसका हमारा आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोई बिल मनी बिल है या नहीं इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण हमारे करता है लोकसभा का अध्यक्ष, और वर्तमान के अंदर लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिड़ला जी है। ये हमारा आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष और वित्त मंत्री, ये आपको इसके अंदर दिया हुआ है ऑप्शन, जिसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो कोणार्क मंदिर मैंने लगभग आपको कंप्लीट करवा दिया पीछे की सीरीज के अंदर, और आज इसके अंदर फिर इनका क्वेश्चन आया है। नरसिंह देव प्रथम कौन थे? कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाने वाले नरसिंह देव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी का जन्म हुआ था? शिवाजी का जन्म शिवनेर के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था? तो गुप्त काल के जो सर्वप्रथम गणितज्ञ और खगोलविद ये महान पुरुष आर्यभट्ट थे, जिनके नाम पर भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रेता बाजार उस स्थिति का द्योतक है जहां पर आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। हमारा राइट आंसर है आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा गया है? तो ये थे हमारे वेनसांग। कौन थे? वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, किस नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो ये नदी कौन सी है? हमारे ऑप्शन में दिया है नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, ताप्ती नदी और महानदी। तो हमारा आंसर होगा नर्मदा नदी। और आप देखे होंगे कि आपके जो पीछे की जो शिफ्ट हुई है 17, 18 और 19 की, इनके अंदर आपको नदियों से लगभग दो नदियों, तीन नदियों के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं।
जिसके अंदर आपको महानदी का पूछ लिया है, गोदावरी का पूछ लिया है और यमुना नदी का पूछ लिया है। तो आपके अभी जो बची हुई, मैं 3 दिन से आप लोगों को बता रहा हूँ जब से आपके एग्जाम स्टार्ट हुए हैं कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनको पढ़ के जाना है। तो वहां पे आप इसका आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी। इसके अलावा जो बची हुई जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनको भी आप लोगों को एक बार अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो ये कौन थे जो पूर्व के अंदर राष्ट्रपति बने और उनसे पहले वो अपने कैबिनेट के अंदर गृह मंत्री के पद पर थे? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह। कौन होंगे? ज्ञानी जेल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थलखंड के बीच विकसित होने वाले लेगुन को क्या कहा जाता है? तो इसका हमारे ऑप्शन है कायल, कारवा, बोट चैनल, एटोल। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा सी, बोट चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ए, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूटोपिया किसकी रचना है? तो हमारे ऑप्शन है ए, टॉमस मूर की, बी, लियो टोल्स्टॉय की, सी, मैकियावेली की और डी, कार्ल मार्क्स की। तो हमारा इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टॉमस मूर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है? तो इनके उपन्यासकार है हमारा ऑप्शन ए, वृंदावन लाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय करता है? तो इनके जो विवाद हैं सांसदों के, इनकी योग्यता से संबंधित जितने भी विवाद हैं उनका निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। और एक क्वेश्चन इसके साथ का साथ, जो भी सांसद या जो भी मंत्री या जो भी इनके जो सदस्य हैं, इन सदस्य की योग्यता, जो उनका मतलब वो योग्य इस पद के लिए है या नहीं है, तो इसका निर्वाचन या इसका जो निर्णय है वो निर्वाचन आयोग करता है। लेकिन निर्वाचन आयोग हमारे राष्ट्रपति जी की सलाह के ऊपर ही इसका निर्णय कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है एलिसा टेस्ट, कोलेडोलॉजी, रेडियोग्राफी और बायोप्सी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बायोप्सी, बायोप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अकबर की। ये मैंने आप लोगों को बताया है मुगल साम्राज्य के जो भी शासक हुए हैं तो उनका क्या क्रम है, वो भी मैंने आप लोगों के पीछे की मेरी क्लास देखना कल की, शिफ्ट 1, 2 और 3 की। तो इसके अंदर जो भी इनका जो क्रम है, जैसे बादशाह के मैंने एक ट्रिक बताया था उसके आधार पे आप लोगों को करवाया, तो इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? तो पोलो खेल का प्रचलन है वो भारत के मणिपुर राज्य के अंदर हुआ है और इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? क्योंकि गेम से रिलेटेड अभी करंट के आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और करंट का बहुत ही ज्यादा वेटेज आपके इस एग्जाम के अंदर देखने को मिल रहा है, तो मैं यहीं से आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने निकाला है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 3 मिनट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो आइस हॉकी का खेल परिसर है वो रिंक कहलाता है। क्या कहलाता है? रिंक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 24 प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर, ये ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा 25 नंबर क्वेश्चन, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो इनकी स्थापना है करने वाले हमारे रास बिहारी बोस जी थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो फ्रक्टोज। कौन सी है सबसे मीठी शर्करा? फ्रक्टोज, जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हेमू था। और हेमू, आप लोग कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना, हेमू का बचपन या हेमू का जन्म कहाँ पे हुआ था और इनके पिता कहाँ के जागीरदार थे और इन्होंने कौन सी उपलब्धि के बाद में इनको कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था?
और इसके साथ ही साथ आपको एक शेरशाह सूरी है हमारे, उनका भी काफी इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के अंदर पार्ट है, तो वो भी आप लोगों को अच्छे से तैयार करके जाना है, वहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राममोहन राय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, शिरीन इबादी। ईरान की रहने वाली शिरीन इबादी को शांति के क्षेत्र में 2003 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ये इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग के हो सकता है एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया गया था या कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, ओस्लो। ओस्लो यूरोप महाद्वीप के में एक स्थित नार्वे देश की राजधानी, जहां प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके अंदर नहीं पाई जाती है या पाई जाती है, इस तरह से अगर ऑप्शन दिया जाएगा तो उसके अंदर कंफ्यूज हो गए, पाई जाती वाली के अंदर नहीं पाए जाने वाला आंसर नहीं करना है, और नहीं पा पूछा है तो उसके अंदर सही का नहीं पढ़ना है। तो इसमें देखो, फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है, यूजुअली हम क्या करते हैं, हमारे आंसर दिया जाता है कि कौन सा सत्य है, कौन सा पाया जाता है, कौन सा है, तो हमारा माइंड सबसे पहले इसी के ऊपर जाता है। तो हमें ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर अच्छे से देखना है कि उसमें नहीं पूछा है या है पूछा है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, डी के अंदर है विटामिन डी। विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य की ऊर्जा, और इसी से हमारे को विटामिन डी मिलता है, तो विटामिन डी है वो त्वचा के लिए काफी अच्छा रहता है। इसके बाद में विटामिन बी दिया है, विटामिन ई आपके एग्जाम के अंदर पूछ चुका है, और विटामिन के ये आप लोगों को पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का प्राचीन स्थान था? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहावसान कब हुआ था, या पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु ऑप्शन नंबर सी, 1964 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है? क्रांतिक ताप वो होता है जहां पे पानी अपने उबाल पर होता है, तो ये क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव का मान क्या होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए, जिसके अंदर है शून्य, क्योंकि पृष्ठ तनाव उस समय बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि क्रांतिक ताप के पानी पूरा उबल चुका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37, युद्ध के रोमन देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरफोर्स वन क्या है? तो ये हमारा अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान है जिनका नाम है एयरफोर्स वन, ये हमारा ऑप्शन नंबर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती ग्रंथों की कथाएं संकलित है कहलाता है? तो ये हमारा ऑप्शन हो गया बी, जातक। क्या आंसर हो गया इसके अंदर? ऑप्शन नंबर बी, जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो पौधों के जो ऊतक हैं, उन कौन सा ऊतक है जो पौधों को कठोर, यानी कि पौधे की जो छाल है, पौधे की जो लकड़ी है, उसको कठोर बनाने वाला कौन सा ऊतक या कौन सा कारक है? तो वो है स्केलर नकाइमा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय के अंदर दो कक्ष होते हैं, और ये आप लोग बताना है कि मेंढक और मनुष्य के हृदय के अंदर कितने कक्ष होते हैं, ये ऑप्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर्तबीजी पादपों में भ्रूण कोष प्राय होता है? तो ये एगुणित होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, किसी भी प्रकार का नहीं होता है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगुणित। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43, ध्वनि उच्चतम वेग से किसके अंदर से निकलती है? या इसमें हमारा ऑप्शन दिया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुष्क वायु में गमन करती है,
30 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुष्क वायु गमन करती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर्द्र वायु में गमन करती है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर्द्र वायु में गमन करती है। तो इसके अंदर ध्वनि का उच्चतम वेग बताया है, ध्वनि किस किस माध्यम या किस किस मीडियम के अंदर से ध्वनि पार हो सकती है। तो इसके हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर्द्र वायु में गमन करती है। तो आप लोग ये अच्छी तरह से जानते हो कि जब बारिश का मौसम होता है या जब ठंड होती है, जब वायुमंडल के अंदर पानी के पार्टिकल मौजूद होते हैं, उस समय ध्वनि काफी दूर से सुनाई दे जाती है। तो इसका कारण यही होता है कि ध्वनि का जो ज्यादा वेग है वो आर्द्र वायु के अंदर, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर्द्र वायु के अंदर ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में गन्ने की खेती का उदाहरण है। तो भारत में गन्ने की जो खेती है वो रोपण कृषि का एक उदाहरण है। रोपण कृषि आप समझ सकते हैं, रोपण कृषि से कलम लगाना। जैसे हम घर पे या कहीं पे हमारी बागवानी के अंदर किसी पौधे की टहनी या उसकी डाली को काटकर हम उसका कलम लगाते हैं, उसी तरह से गन्ने की कलम निकालकर और उसको जमीन के अंदर रोपा जाता है। और इस रोपे जाने की जो विधि है या ये खेती करने की जो एक प्रक्रिया है, इसको रोपण कृषि विधि कहा जाता है। तो भारत के अंदर गन्ने की जो खेती है वो कृषि में रोपण कृषि का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था। तो ये किस लिए किया था? हमारे ऑप्शन सत्याग्रहों के ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, गांधी इरविन समझौतों भंग के विरुद्ध, रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड विरुद्ध, कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगों के विरुद्ध। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? टुंड्रा कहाँ की जलवायु है या टुंड्रा की जो प्रजाति है या टुंड्रा प्रजाति भी एक पाई जाती है, तो ये कौन से हमारे ध्रुव के ऊपर पाई जाती है? तो ये अटलांटिक पे पाई जाती है या आर्कटिक पे पाई जाती है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। और अगर नहीं पता हो तो ये आप पढ़ के जाना, मैंने दो ऑप्शन आपको दे दिया, आर्कटिक सागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका, अटलांटिक और अंटार्कटिका, उसको आर्कटिक भी बोला जाता है। तो ये हमारी ऑप्शन हमारा दिया है आर्द्र व न्यून तापीय, शुष्क मध्य तापीय, आर्द्र मध्य तापीय और ध्रुवीय जलवायु। तो इसमें कौन सी जलवायु है? ध्रुवीय जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो ये हमारा अनुच्छेद नंबर 17 जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री जनधन योजना में किस प्रकार के डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है? तो इसके अंदर कौन सा डेबिट कार्ड है? रुपए। और रुपए जो डेबिट कार्ड है वो भारत के अंदर निर्मित और भारत का डेबिट कार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रोस द्वीप का परिवर्तित नाम है? तो शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप और स्वाभिमान द्वीप। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रोस द्वीप का नाम परिवर्तन सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे करने के पीछे रीजन है कि जब लास्ट के अंदर सुभाष चंद्र जी बोस की मृत्यु एक संशय बनकर रह गई थी, तो इस समय ये इनका जो लास्ट में विमान था, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ही इनका विमान है वो गायब हुआ था और वहीं से इनका जो मृत्यु है वो एक रहस्य बनकर रह गई। इसीलिए सुभाष चंद्र जी बोस का नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रोस द्वीप के नाम पे रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 और आज की सीरीज का मेगा सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, देश का 25वां हाईकोर्ट है। तो देश का 25वां हाईकोर्ट किसे बनाया गया है? तेलंगाना हाईकोर्ट को। तेलंगाना अभी हाल ही के अंदर भारत के अंदर एक राज्य बना है और अभी आप लोगों को ये पढ़ना है और ये आप लोगों को देख के जाना है कि अभी वर्तमान के अंदर भारत के अंदर कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने हैं जो भारत के अंदर राज्य, इनका अभी निर्माण हुआ है और अभी वर्तमान के अंदर इनकी संख्या कितनी है, तो ये आप लोगों को एक बार देख के जाना है। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करता हूं और इसी तरह आप लोगों के सामने कल मैं एक और इससे ज़्यादा बड़ी मेगा सीरीज आप लोगों के लिए लेके आऊँगा जो आपके एग्जाम के अंदर, एसएससी जीडी के एग्जाम के अंदर काफ़ी बेनिफिशियल सिद्ध होगी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।